दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल को तो आप जानते होंगे, ये एक बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर है और अभी हाल ही में इनके ऊपर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है साइना, जिसमें परिणीति चोपड़ा ने साइना नेहवाल का किरदार निभाया है। दोस्तों इस वीडियो में साइना नेहवाल की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप साइना नेहवाल के फैन हैं तो इस वीडियो कर दे लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हिसार हरियाणा में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 31 साल की हैं। साइना का जन्म हिसार हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ था और इनके पिता एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते थे और इनकी माँ स्टेट लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं। और कुछ टाइम बाद इनकी फैमिली हैदराबाद शिफ्ट हो गई। साइना ने अपने स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के हिसार से ही शुरू की, लेकिन अपने पिता के ट्रांसफर के चलते उन्हें कई बार स्कूल बदलना पढ़ा। साइना ने 12th हैदराबाद के एसटीएनएस कॉलेज फॉर वुमेन से की। साइना ने पढ़ाई के साथ ही साथ कराटे भी सीखे और कराटे में भी साइना को ब्राउन बेल्ट भी मिला है। और साइना को 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन में दिलचस्पी थी, जिसके कारण इनके पिता ने इनको बैडमिंटन की ट्रेनिंग दिलाई और रोज सुबह 4 बजे 25 किलोमीटर ले जाते थे अपने स्कूटर से साइना को ट्रेनिंग के लिए। अब बात करते हैं साइना नेहवाल के करियर के बारे में। 2006 में साइना अंडर 19 नेशनल चैंपियन बनी और एशियन सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतकर हिस्ट्री बनाई। मई 2006 में साइना नेहवाल यंगेस्ट वुमेन प्लेयर बनी जिन्होंने 4-स्टार टूर्नामेंट जीती और तब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। और ये पहली प्लेयर थी इंडिया की जिन्होंने 2009 में BWF सुपर सीरीज जीता इंडोनेशिया में, जिसके बाद इनको कामयाबी मिलती गई और इनका नाम बनता गया अपनी खेल की वजह से। साइना नेहवाल ने इसी साल इंडोनेशिया और मलेशिया के टॉप प्लेयर को हराया बैडमिंटन में। साइना नेहवाल ने 2012 लंदन ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। लंदन ओलंपिक में साइना ने नेदरलैंड और डेनमार्क के प्लेयर को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंच गई और फाइनल में जीत के इंडिया के लिए पहला ओलंपिक बैडमिंटन मेडल हासिल किया और भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। और 2015 में साइना नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर मानी गई, जो कि उससे पहले इंडिया से कोई नहीं था। और अपने बैडमिंटन करियर में साइना ने लगभग 24 इंटरनेशनल टाइटल जीते हैं, जिनमें से 11 सुपर सीरीज टाइटल थे। बात करते हैं साइना नेहवाल के अचीवमेंट और अवार्ड के बारे में, तो 2006 में साइना ने BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। 2008 में साइना ने 2 बार गोल्ड मेडल जीता और 2010 में इन्होंने 1 ब्रॉन्ज मेडल और 1 गोल्ड मेडल हासिल किया। 2012 में ओलंपिक में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला और 2015 में साइना ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया। और साथ ही साथ इनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसा कि 2009 में साइना को अर्जुन अवार्ड दिया गया और 2010 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया और 2010 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2016 में इनको पद्मा भूषण अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनवरी 2020 में साइना नेहवाल ने पॉलिटिकल पार्टी BJP को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना साइना नेहवाल आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको साइना नेहवाल की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है हरवीर सिंह नेहवाल और इनकी मदर का नाम है उषा नेहवाल और इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है अबू चंद्रांशु नेहवाल और ये साइना नेहवाल से बड़ी हैं। बात करें साइना नेहवाल के हस्बैंड के बारे में, तो दोस्तों साइना नेहवाल ने 2018 में परुपल्ली कश्यप से शादी कर ली है और ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। वहीं बात करें साइना नेहवाल के हाउस के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइना नेहवाल अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद तेलंगाना में रहती हैं और इनके इस घर की कीमत है 4.6 करोड़ रुपीज। वहीं बात करें साइना नेहवाल के कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इनके पास कार है मिनी कूपर और इस कार की प्राइस है 44 लाख रुपीज। और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज ई क्लास और इस कार की प्राइस है 82 लाख रुपीज। और थर्ड कार इनके पास है BMW 3 सीरीज और इस कार की प्राइस है 44 लाख रुपीज। वहीं बात करें साइना नेहवाल के इनकम के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, साइना नेहवाल हर साल के एंड तक 4 से 5 करोड़ रुपए कमा लेती हैं और इन्होंने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है लगभग 11 करोड़ रुपए की। और साइना काफ़ी सारे ब्रांड को इंडोर्स भी करती हैं जहाँ से वो अच्छा खासा कमा लेती हैं।
वहीं बात करें साइना नेहवाल के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 36 करोड़ रुपए। तो ये थी साइना नेहवाल की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।